इन्हीं को हटाएंगे, युवा ही हटाएंगे इनको, मोदी जी को। कि बीजेपी वाले राम को तो ला दिए हैं, लेकिन नीरव और विजय माल्या को नहीं ला पा रहे हैं। जैसे घोसी में खदेड़ा हुआ था उसी तरह से, और 4 जून के बाद लोकसभा में दिखेंगे नहीं, और एक तरफा लोकसभा में राजीव राज चुनाव जीत रहे हैं। मोदी जी, मोदी जी कौन बड़ा काम ऐसा कर दिए हैं कि जो है मोदी जी डंका बज रहा पूरे देश में। अरे डंका बज रहा है तो भारत में तो फेल चल रहा है ना। कांग्रेस या गठबंधन इतना अच्छा क्यों लग रहा है, वो आएंगे तो क्या कर देंगे? राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने जो मिलकर के गारंटी बनाया है, तो मुझे विश्वास है कि आएंगे तो युवाओं में एक जोश है कि जो ये अग्निवीर है उसको परमानेंट करेंगे, इस वजह से युवा उनको वोट देंगे और मैं भी उनको वोट दूंगा। अच्छा, वो जो बोले हैं कि 1 लाख रुपया देंगे हर साल औरतों को, तो बात पहुंची है गाँव की औरतों तक? अरे ट्रेन कांग्रेस ही दौड़ाई है, जिसका ही लोग जो है क्या नाम है विस्तार जो है कर रहे हैं, ठीक है ना। किसानों को फायदा हो रहा है? बहुत ज्यादा फायदा, इतना किसानों को फायदा हो रहा है कि सब भूखे मर जाएंगे। भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, और भ्रष्टाचार में जितने बीजेपी के कुर्ता पैजामा धारी हैं, एक भी उसको रोक नहीं पा रहे हैं। जनता सीधे जो है पैसा दे रही है, आप काम करा रही है। मोदी जी ने नाराजगी क्यों है, क्या लग रहा है कि उन्होंने गलत कर रहे? ओम प्रकाश राजभर ने कहा था कि पीला गमछा लगा के चले जाना किसी थाने में, तो उनका एक जिला अध्यक्ष गया था तभी तो पीट के चला आया। किसका माहौल है, राजीव राय के चाचा, पियर का चाचा? राजीव राय, राजीव राय। अरे पियर का चाचा भी कितना मजबूत मंत्री बने हैं पता है? 4 तारीख के बाद इनका लोकसभा में पता ही नहीं चलेगा। जैसे घोसी में खदेड़ा हुआ था उसी तरह से, और 4 जून के बाद लोकसभा में दिखेंगे नहीं, और एक तरफा लोकसभा में राजीव राय चुनाव जीत रहे हैं। जिस गांव में अगर आप जाएंगे, राजीव राय और राजीव राय। जिसको जनता ने, जिसको जनता ने नकारा है 8 महीने पहले, उसको मोदी और अमित शाह ने दुलारा है। तो अरे वो तो कह रहे हैं कि मैं गब्बर सिंह हूँ, यूपी की पॉलिटिक्स का पता है ना। तो वही ना, तो वो गुंडों माफिया की जो बात होती है, बीजेपी उसी के नाम पे राजनीति कर रही है, और सबसे बड़े गुंडे माफिया जो कहते हैं कि अरे कोई मुकदमा थोड़ी इनके ऊपर कोई है नहीं, तो कहते हैं कि सब लोग मेरे यहाँ शरम गच्छामी हैं, बोलते थे उनका, वो भी देख वीडियो देख लीजिए ओम प्रकाश जी का, ठीक है ना। और उनको जो है क्या मजबूरी आ गई, जब इतना इन्होंने विकास किया है बीजेपी ने, तो इन क्या मजबूरी आ गई कि इन लोगों ने एक दल पार्टी मोदी जी जो जी का शिकार प्रकाश राजभर जी को कहते हैं मोदी जी का चेहरा देख लो यार। मोदी जी, मोदी जी कौन बड़ा काम ऐसा कर दिए हैं कि जो है मोदी जी डंका बज रहा पूरे देश में। अरे डंका बज रहा है तो भारत में तो फेल चल रहा है ना, जनता परेशान है ना, जनता परेशान है। इनके अधिकारी सारे सिलेंडर, अरे बिजली दे रहे हैं, रुपया दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं। 400 का सिलेंडर 1200 में मिल रहा है, ठीक है ना, राशन तो मिल रहा जनता को ना। अरे राशन मिल रहा है तो सांड भी तो घूम रहे हैं लोग, खेती न गोरे हैं, अपना खेत न गोरे, रात में सोना चाहिए तो अपना खेत गोर रहे हैं, ये भी तो देखिए। कांग्रेस या गठबंधन इतना अच्छा क्यों लग रहा है, वो आएंगे तो क्या कर देंगे? कौन सी गठबंधन आएगी? तो सबसे पहले रोजगार, उन्होंने जो वादा किया है 5 गारंटी है, जो कांग्रेस सरकार ने जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने जो मिलकर के गारंटी बनाया है, तो मुझे विश्वास है कि आएंगे तो युवाओं में एक जोश है कि जो ये अग्निवीर है उसको परमानेंट करेंगे, इस वजह से युवा उनको वोट देंगे और मैं भी उनको वोट दूंगा। अग्निवीर वाला मुद्दा है बड़ा, बहुत बड़ा मुद्दा है ये, बताइए 75 साल के हो गए, एक बार मौका मांग रहे हैं तीसरी बार, और 18 साल 4 साल की नौकरी करके युवा क्या करेगा बताइए? 4 साल के रिटायरमेंट के बाद कहाँ जाएगा युवा? अच्छा, वो जो बोले हैं कि 1 लाख रुपया देंगे हर साल औरतों को, तो बात पहुंची है गांव की औरतों तक? ये गांव की औरतों को पहुंची है। 85 इसीलिए तो इंडिया गठबंधन आ रहा है, इसीलिए इंडिया गठबंधन आ रहा है। देंगे वो तो, मोदी जी भी कहते 15 लाख देंगे। नहीं तो ये देंगे, कांग्रेस जो कहती है, इसके पहले कांग्रेस ही ने सारी चीजें लाई है, ट्रेन कांग्रेस ही दौड़ाई है, जिसका ही लोग जो है क्या नाम है विस्तार जो है कर रहे हैं, ठीक है ना। जितनी व्यवस्था कांग्रेस लाई है उसी पहल पे चले हैं, नरेगा के वो कांग्रेस ही लाई थी, ठीक है ना, उसको ये लोग चला रहे हैं। नया इन्होंने क्या कर दिया, 112 102 समाजवादी पार्टी ने ही लाई थी, उसको ये लोग चला रहे हैं, नया क्या इन लोगों ने कर दिया? मोदी जी कह रहे हैं कि मैं भगवान का अवतार हूँ, उन्होंने खुद बोले अपने आप से। वो तो ठीक है, भगवान के अवतार तो जनता बता ही देगी 4 जून को, ठीक है ना, कि भगवान के अवतार क्या है। महंगाई तो सीमा से पार है,
सर कहाँ 20 रुपए किलो भिंडी बिक रही है। अरे अरे देखो भिंडी दिखाओ, 20 रुपए किलो है, अभी 4 दिन पहले 50 रुपया किलो बिकी है। तो दाल जहाँ 80 रुपया थी, अभी बताइए महंगा बिक रहा, किसानों को फायदा हो रहा क्या? बहुत ज्यादा फायदा, इतना किसानों को फायदा हो रहा है कि सब अपने भूखन मर जाएंगे। महंगाई सीमा से पार है भैया, महंगाई ज्यादा है। कर्मचारी भ्रष्टाचार, कर्मचारी का नाम है मस्त है और जनता पस्त है, ठीक है ना? जनता पस्त है और जितने भी अधिकारी है भ्रष्ट, मुस्कुराहट देख लो इनकी, इधर आओ तो पूरे देश तो देखे तुम्हारी मुस्कुराहट बड़ी गजब है भाई। भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और भ्रष्टाचार में जितने बीजेपी के कुर्ता पैजामा धारी हैं, एक भी उसको रोक नहीं पा रहे हैं। जनता सीधे जो है पैसा दे रही है, काम करा रही है, ठीक है ना? चाचा मोदी जी तो कह रहे हैं कि आऊंगा तो आपकी बहुत तगड़ा विकास करूंगा। तो आने से नहीं ना होगा, के पीछे आप क्या करेंगे? कहाँ विकास किए हैं बताइए, तो आप ही दिखाइए विकास, दिखाइए कोई विकास नहीं है। विकास वही है ना कि 4 किलो गल्ला 5 किलो तुम ले लीजिए, 2 किलो वो ले लेंगे, 8 किलो वो ले लेंगे, यही तो विकास है। तो बहुत सीमा, इससे आगे विकास है तो बताइए, महंगाई तो ज्यादा है। गुंडे सब भाग गए सब। अरे गुंडे कहाँ, किसके में गुंडे नहीं थे? गुंडे इनके में नहीं है, ज्यादा है इनके में, खोजिएगा तब ना। तब ऐसा है कि बीजेपी वाले राम को तो ला दिए हैं, लेकिन नीरव और विजय माल्या को नहीं ला पा रहे हैं, ठीक है ना? नीरज का नाम, नीरव मोदी और विजय माल्या को नहीं ला पा रहे हैं। क्या कर रहे हो तुम? अब हम क्या कर, पढ़ाई क्या, मतलब क्या करते हो? अभी तो ग्रेजुएशन कर रहे हैं हम, लखनऊ से जी। हाँ, मऊ से नहीं, लखनऊ से। लखनऊ से जी। वोट है ना? हाँ है, इस बार देंगे। ओम प्रकाश है, इस बार देंगे वोट साइकिल को। साइकिल को दोगे? साइकिल को ही देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे तो विश्वगुरु कैसे बनेगा भारत? अरे विश्वगुरु 10 साल में कहाँ ने बना दिए, काहे बना दे? झूठे जुमला करने से थोड़ी विश्वगुरु बन जाएगा। बहुत युवाओं को बहुत रुलाए हैं, बहुत रुलाए हैं, अब युवा ही दिखाएंगे इनको, इन्हीं को हटाएंगे, युवा ही हटाएंगे इनको मोदी जी को। अरे मोदी जी तो कितने लोकप्रिय नेता हैं, पता नहीं। अरे लोकप्रिय नेता हैं तो जो अंधभक्त हैं उनके लिए ना है, युवाओं के लिए थोड़ी है, जो पढ़े लिखे युवा हैं। क्या मोदी जी ने नाराजगी क्यों है, क्या लग रहा है कि उन्होंने गलत कर रहे हैं? मोदी जी ने क्या कहा था, 2 करोड़ रोजगार, किस यहाँ कौन से युवा को रोजगार मिला है, किसको 15 लाख रुपया मिला है? मोदी जी ने क्या किया ये बताइए। अरे अरविंद राजभर युवा नेता है, सोचो एक युवा तुम्हारा नेता बनेगा। अरे तो वो युवा नेता रहने दीजिए, जो एक्सपीरियंस नेता है वो रहे, वही ठीक है। सुनिए, नेता नहीं है, दल बदलू है ये लोग, दल बदलू नेता है, नेता नहीं है। ओम प्रकाश दल बदलू है, हमारे में आएंगे तो उसको गाड़ी देंगे, उसके में जाएंगे तो हमको गाड़ी देंगे, ये सब नेता है? कोई नेता नहीं है, हम नेता नहीं मानते, हम नहीं नेता मानते। दरोगा डरता है उनसे? हम नहीं, नहीं उसको नेता नहीं मानते। ओम प्रकाश को पीट के चला आया, ओम प्रकाश राजभर ने कहा था कि पीला गमछा लगा के चले जाना किसी थाने में, तो उनका एक जिला अध्यक्ष गया था तभी तो पीट के चला आया, कहा नहीं ओम प्रकाश कह दिए थे हमारा जिला अध्यक्ष नहीं, बाद में वो इनकार कर दिए थे पहचानने से। जब पीटने के बाद तो सब ऐसा ही करता है ना, पीटने के बाद सब ऐसा ही करता है। दल बदलू है, हवा में अपना जेब का खर्चा चला रहे हैं। होगा कितना विकास कर देंगे जिले, पता है क्या करेंगे? उससे पहले जाके देख लिए, जहूराबाद का सर्वे कर लिए, 10 साल विधायक रहे हैं, एक भी सड़क वहाँ की ठीक नहीं है, ठीक है ना? 10 जहूराबाद की विधानसभा में चले जाइए और वहाँ का भी एक बार इंटरव्यू ले लीजिए, ठीक है ना? जहूराबाद 10 साल विधायक रहे, एक भी काम नहीं हुआ है वहाँ। बड़ा नाराजगी है सब जनता में, इस बार उनका पता नहीं चलेगा, और उसके बाद 4 तारीख के बाद फिर से वही काम करेंगे, दूसरे दल में जाएंगे, दूसरे को गाली देंगे। कहाँ जाएंगे, अब तो मंत्री बन गया, आज भर कुछ नहीं करने वाले। देखिए जनता तो बड़ा कहते हैं घोसी की, बड़ा ही नाराज नजर आ रही है ओम प्रकाश राजभर से। हैं हाँ बिल्कुल नाराज हैं राजभर से। तो राजीव राय में इसी क्या खूबसूरती है, किसी के चेहरा नहीं मतलब देखा जाता है, उनका इखलाक उनका कारनामा देखा जाता है, चेहरे की बात नहीं होती है कि आप बड़े चेहरा नहीं, मतलब वही, मतलब उनमें क्या आप ऐसी खूबी देख रहे हैं जो ओम प्रकाश राजभर में नहीं है? अरे भाई उनका कार्यकाल देख लिए हैं, सही बात तो ये कि ये लोग बयान दिए हैं ना कि भाई इधर उधर आने वाले जाने वाले लोगों का क्या वैल्यू, आप ही रास्ता चलते हैं, सफर में घोड़ा बदलेंगे तो क्या भरोसा है कि कब उस घोड़े को कहाँ डाल दें? क्या करते हैं आप? ये बुनाई करता हूँ, सही बात ये कि हमारा 10 साल सरकार, लाइट वाइट आ रही है, लाइट तो रह रही है फिलहाल, लेकिन हम लोग खुश नहीं उस लाइट से, उसकी वजह क्या है, इतनी बिल आ रही है। अब कौन से पूरे दुनिया में, मैं सऊदी कतर मैं घूम चुका हूँ, आप 15 साल वक्त गुजारा हूँ वहाँ, चाहे आप दुकान है
तो उसकी एक घर मार्केट में उसकी बिल अलग तरीके की आती है, कमर्शियल है, कमर्शियल। और यहाँ घर के अंदर पावर लूम चल रहा है, अब यहाँ मतलब ये है कि एक बिल उसके नाम से घर के नाम से लो, एक पावर लूम के नाम से लो, ये कहीं दुनिया में बुनकरों को तो छूट मिलती है बिजली में? कुछ नहीं छूट है, कभी नहीं छूट, पहले तो रही है ना छूट बुनकरों को, कभी नहीं। हाँ सफाक सरकार में तो 70 रुपया 72 रुपया पासबुक था, 72 रुपया का पासबुक था, अनलिमिटेड 70-72 अनलिमिटेड, हाँ अनलिमिटेड। अब पूरा बिल पड़ता है, अब उसके बाद में डबल बिल लेना है, ये मत समस्या की बात है कि नहीं? एक नाम से एक घर में अगर मान पावर लूम चल रहा है तो लाइट तो चलेगी, अंधेरे में तो कोई नहीं रहेगा। वो तो कह रहे हैं कि तब लाइट ही कहाँ आती थी? नहीं नहीं लाइट, ये तो गलत कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं लाइट, अगर जो मतलब अंधेरे में पावर लूम चलता नहीं, अब पावर लूम बल्ब जलाने के लिए घर के लिए नाम से बिजली ले, बिल बहुत ज्यादा आने लगा। हाँ बहुत ज्यादा, तो यहाँ कोई ऐसा कानून नहीं है कि जो। क्या भाई साहब क्या माहौल है आपके जिले में? हालात तो ठीक ही है, कोई ज्यादा खराब नहीं है, ठीक है। किसका? ओम प्रकाश राजभर का। हाँ ओम प्रकाश राजभर का। जीत रहे हैं? बिल्कुल जीतेंगे। देखिए सरकार में जो बाकी सरकारें थी तो जातिवाद की राजनीति होती थी, अभी सरकार में जातिवाद नहीं है। और थोड़ा ये बुनकरों का मसला है, योगी जी थोड़ा इसको हल करें, और प्रधानमंत्री मोदी जी बुनकर को जो बिजली फ्लैट रेट में मिले 72 रुपये जो पहले जमा करते थे लोग, वही मिलनी चाहिए। बुनकरों का सिर्फ मसला है, बाकी और कोई मसला है नहीं। महंगाई तो पूरी दुनिया में, यहाँ पे तो अकेले हिंदुस्तान में तो महंगाई है नहीं, पूरी दुनिया में महंगाई है। अब सऊदीया पहले लोग जाते थे तो 200 में उनका पूरा खर्च हो जाता था, अभी इस वक्त 400 से 500 रुपया खर्च हो रहा है रियाल। तो महंगाई पूरी दुनिया में, सिर्फ यहाँ नहीं है। तो राजभर जी का माहौल आपके हिसाब से टाइट है? राजभर जी का नहीं, मोदी जी का कहिए। अच्छा। पूरे देश में टाइट है। क्या करते हैं आप? हम तो पावर लूम ही चलाते हैं, लेकिन पावर लूम की स्थिति इस वक्त खराब है, बदहाल बुनकर हैं इस वक्त। हाँ बदहाल है, फिर कैसे मामला टाइट है मोदी जी का? जानते हैं क्या है टाइट? ये है कि लाइट ज़्यादा रहती है। हम जानते हैं कि समाधान इसका जो है बिजली का, अगर कोई करेगा तो माननीय श्री मोदी जी करेंगे, या तो ये कह रहे हैं, सब कह रहे हैं बिजली बहुत महंगी हो गई है। महंगी हो नहीं गई, महंगी बिजली पहले से है। हाँ वो तो कह रहे हैं 70-72 रुपये फ्लैट रेट में था पहले। नहीं नहीं ऐसा है कि वो क्लियरिटी नहीं था, वो बकाया था। अच्छा। हाँ 72 रुपये जो था, अगर मतलब क्लियर होता तो आज भी हम 72 रुपये जमा करते, लेकिन ये झुंझुना जो बोलते हैं ना, झुंझुना दिया गया था, नहीं तो बीजेपी आ जाएगी। आप हमको वोट दीजिए, मुसलमानों को मतलब ठगने का काम एक तरीके से। चलिए आपके विचारों का स्वागत ही है। तो कह रहे हैं यार राजभर का माहौल है, उनके कहने से थोड़ी हो जाएगा, उनसे पूछे बस बिजली का ही मामला है, हैं? अब वो पावर लूम चला रहे तो क्या हम जैसे युवा भी पावर लूम ही चलाएं? बताइए वो पावर लूम चला रहे तो हम लोग भी पावर लूम ही चलाएं? उनके कहने से थोड़ी हो जाएगा कि अरविंद राजभर का मामला टाइट है या मोदी जी का मामला टाइट है। युवाओं के लिए नौकरी नहीं आ रही, इससे बड़ा गुस्सा है। बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्सा है, नहीं आ रही है बिल्कुल। तो देखिए क्या क्या नहीं किए है, प्रचार गाड़ी देखो जा रही है, प्रचार हो रहा है। ठीक है भाई, बात करके बहुत अच्छा लगा। तो देखिए घोसी में तो लग रहा है कि ओम प्रकाश राजभर जी की छड़ी जो है खड़ी होना मुश्किल दिख रही है, और बात करिए तो 10 में से 8 लोग राजीव राय के पक्ष में ही दिखते हैं।